महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से आए दिन कई विवाद की खबरें सामने आती रहती है। वैसे कुछ दिनों पहले महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के BBA ग्राउंड पर फुटबॉल मैच चल रही थी, उसी दौरान वहां पर हाथापाई की घटना घटी थी। दरअसल ये घटना देर रात को हुई थी और घटना बड़ा स्वरूप भी इख्तियार कर चुकी थी। ऐसे में इस मामले में पुलिस शिकायत दर्ज हुई थी और अब फतेहगंज पुलिस की ओर से इस मामले को लेकर 9 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है। ऐसे में पुलिस की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था और ये जो हाथापाई की घटना महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में घटी थी, उस मामले में ACP धर्मेंद्र चावड़ा ने ज्यादा जानकारी दी। MS यूनिवर्सिटी में BBA फुटबॉल ग्राउंड की अंदर एक फुटबॉल मैच थी, जेमा 27 तारीख ना रात्रि ना समय मैच दरमियान बे टीमों वच्चे झगड़ो तकरार थयेलो, जे मारा मारी अनुसंधाने गई काले फतेहगंज पोलीस स्टेशन में बपोरना समय फरियादीए 9 आरोपी विरुद्ध मारा मारी नी फरियाद नोंधावेल छे। जे फरियाद अनुसंधाने जणावेल तमाम आरोपीओ ने फतेहगंज पोलीसे राउंडअप करेल छे, तेमनी तपास करी अने धरपकड़ करेल छे। अने आ मारा मारी में 9 आरोपीओ हाल फतेहगंज पोलीस कस्टडी में। पूर्व आयोजित नहीं, कारण के आ तो मैच चालू थी, फूटबॉल रमत रमता था अने रमत दरमियान झगड़ो थयेल छे आवेश में आवीने, अने जेना कमे फरियादीए जे फरियाद आपी छे ए मुजब फरियाद नोंधवामां आवेली छे अने ए मुजब 9 आरोपीओने पण पोलीसे धरपकड़ करी। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।